अच्छा भाइयों, अजान हो रही थी जिसका हम वेट कर रहे थे, और आज माशाल्लाह हमारी मीटिंग में एक बहुत अहम फैसला हुआ है। आज के बाद किसी भी क्लब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शागिर्द, कोई भी उस्ताद, कोई भी खलीफा, चाहे वो न्यूट्रल भी है, अगर कोई भी शख्स उस्तादों की बेइज्जती करेगा, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, उस्तादों की बेइज्जती के अलावा शागिर्द की भी करेगा, किसी की तजलील करेगा ग्रुप में या वीडियो में आके, या किसी के खाके बनाएगा, कुछ भी, इंशाल्लाह सारे क्लब बैठे में ता हयात उसके ऊपर पाबंदी होगी, और उसको सपोर्ट करने वाले की भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह, अगर सुधरेगा नहीं वो। जी उस्ताद, ये हमें हमारे असद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, तमाम कराम यहाँ बैठे हुए, ये इस मीटिंग का जो मेन मंशूर ये भी था कि कोई भी शागिर्द, कोई भी उस्ताद, कोई भी कमेटी का मेंबर, कोई अहदेदार, अगर किसी मुखालिफ ग्रुप या अपने ग्रुप के भी किसी उस्ताद या शागिर्द के खिलाफ कोई नेगेटिविटी या कोई गलत बात करता है, बुरा भला कहता है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी वीडियो में भी, तो ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि हर क्लब उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाएगा। और सेकेंड, अगर कोई शागिर्द की हरकत करता है तो उस शागिर्द के साथ उसके उस्ताद पर भी ये पाबंदी लगाई जाएगी कि वो भी इस बात का अहल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने शागिर्द को पाबंद क्यों नहीं रखा, आज दीगर उस्तादों के खिलाफ नेगेटिविटी क्यों इस्तेमाल की गई। और अगर कोई उस्ताद किसी ग्रुप में नेगेटिव बातें करता है तो उसके खेल में जो भी शागिर्द होंगे उनको हमारा कोई भी क्लब अपने शौक में हिस्सा नहीं देगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है साहब, सही है आसिफ भाई, बात मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कोई शागिर्द करेगा तो उस्ताद को जरूरत नहीं है, उस्ताद के लिए पता ही ना पीछे में किसी